लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ कुमार विक्रम। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गैस एजेंसी के समीप दुमका मुख्य मार्ग से आ रहे कंटेनर एक्सप्रेस ने साइकिल सवार युवक को रौंद दिया, जिससे कि घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान हसनगंज बाल्टी कारखाना के सत्यनारायण शर्मा के पुत्र अंकित कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि युवक के मम्मी की तबीयत खराब था। युवक की माँ अपने मायके में इलाज करवाने के लिए कुछ दिन पहले ही आई थी। उक्त युवक माँ से मिलने के लिए जगदीशपुर के भवानीपुर मामा के यहाँ जा रहे थे। तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर एक्सप्रेस ने पुरैनी गैस एजेंसी के समीप उसे रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इधर मामले की सूचना पाकर जगदीशपुर थाना अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना पाकर उसके परिजन आनन फानन में जगदीशपुर थाना पहुंचकर दहाड़ मारकर रो रहे हैं। भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर है।